Kusum. कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में. माय फैमिली आफ्टर ऑल, योर बेस्ट फ्रेंड्स. तुमने बधाइयां दी कि नहीं? कंग्रेट्स. थैंक्स सर. Congrats. किसी की बेवफाई के आंसू इतनी आसानी से छिपते नहीं है गर्व. मैं जानती हूँ तुमने हमेशा कुमुद से प्यार किया, लेकिन कुमुद तो शितिज से शादी कर ली. अंधेरे में रखा उसने तुम्हें, मजाक बनाया तुम्हारे प्यार का. कली मजाक तो तुम अपना बना रही हो ये सोचकर. तुम क्या जानो प्यार क्या होता है, प्यार में क्या दिया क्या लिया, कौन जीता कौन हारा, ये चीजें मायने नहीं रखती. चलो मान लिया मैं नहीं जानती, लेकिन तुम तो जानते हो. तुमने तो सच्चा प्यार किया है कुमुद से, फिर क्या हुआ? देखो कर, प्यार को प्यार ना मिले तो वो अधूरा रहता है. हाँ, लेकिन कुमुद ने सब कुछ हासिल कर लिया क्षितिज का प्यार पाकर. कली कुमुद का प्यार क्षितिज नहीं है. ऐसा तुम सोचते हो कर. कभी कभी मुझे तकलीफ होती है जब मैं सोचती हूँ कि जिसकी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, आज उसी इंसान के पास अपना सब कुछ है. मैंने अपना सब कुछ खो दिया कर, सिर्फ उसकी वजह से. कल ही उसमें कुमुद का कोई दोष नहीं है, गलती हमेशा तुम्हारी थी. लेकिन इस बात को तुम कभी रियलाइज नहीं करोगी. दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज. हमेशा मेरी ही गलती होती है, तुम्हारी नहीं. यू नो व्हाट, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा उस इंसान से प्यार करते आए हो जो तुम्हारा कभी था ही, और जो इंसान तुम्हारे पास था, तुमसे प्यार करता था, तुमने उसकी कभी कद्र की ही नहीं. तुम प्यार का मतलब क्या जानोगे कर? जाओ, तुम कभी समझ नहीं पाओगे. जाओ कर. क्या बात कली, पता नहीं ये घर के बड़ों ने कब डिसाइड किया मुझे तो. कुमुद बेटा, आज हम दोनों बहुत खुश हैं. हमारा एक सपना था कि तुम हमारे घर की बहू बने, और आज वो सपना पूरा होने जा रहा है. और ये तो कहता था कि शादी नहीं करेगा, लेकिन जैसे तुमने हाँ की वैसे ये पलटी मार गया. तुम हमारे घर की बहू नहीं, बेटी बनकर आओगी. हमारी ये ख्वाहिश थी कि हमारे घर भी एक बेटी हो, और देखो भगवान ने आज हमारा वो सपना पूरा कर दिया. आई थिंक हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए. Thank you.
कुमुद, तू तो क्षितिज को सब कुछ बताने वाली थी, फिर बताए क्यों नहीं? मैं बताने ही वाली थी कि हमारे मन अंकल अनाउंसमेंट करती, सबके सामने पार्टी में मैं क्या बोलती। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ इतनी जल्दी करने की जरूरत क्या है। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तू जा और सबको बता दे कि तू क्षितिज से नहीं घर से प्यार करती है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ विधि? फिर क्या करेगी, हाथ पे हाथ रखे बैठी रहेगी? कुमुद, ये तेरी जिंदगी का सवाल है। अगर तू शिद्दत से प्यार नहीं करती है तो ये तुझे क्लियर करना पड़ेगा। बाकी तेरी मर्जी। देखिए, शादी के लिए परसों का दिन बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम दिन निकल रहा है। तो आज ही रोका कर लेते हैं, मुंह मीठा कीजिए प्लीज। कुमुद, शादी का मुहूर्त तय हो गया है, 2 दिन के बाद। माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या कह रही हो तुम कुमुद? हाँ माँ, क्योंकि मैं शिद्दत से प्यार नहीं करती। कुमुद, ये तुम क्या कह रही हो? होश में आओ, हमारी इज्जत का नहीं सोचा तुमने? सोचा था, इसलिए पार्टी में मैंने कुछ नहीं कहा था, चुप रही थी। वाह बेटा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया बेटा। अपने ही घर में हमें बेइज्जत कर दी। अरविंद, नहीं अभय, गलती मेरी है। मैंने इसे अपनी बेटी माना था। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था अरविंद, लेकिन तुमने मेरा कहना कभी नहीं माना। चलो क्षितिज, मेरे साथ ऐसा क्यों किया कुमुद? परसों तुम्हारी शादी है। मैंने तो ये सब गर्व से सिर्फ इसलिए कहा था ताकि वो मुझसे दूर हो जाए। मैं घर और गली के बीच में आना नहीं चाहती थी, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं गर्व को नहीं भुला पा रही। अगर कुमार क्षितिज से प्यार नहीं करता तो वो उससे शादी क्यों कर रही है? विधि,
तुम यहाँ? गर्व, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है कुमुद के बारे में। कुमुद? क्या हुआ उसे? गर्व, वो तो वैसी है जैसी थी, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? एक सिचुएशन ऐसी क्या हुई और तुम उसे ही गलत समझने लगे? क्या तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं है? तुम ये कहना चाहती हो कि पार्टी में जो कुछ भी हुआ कुमुद को उसके बारे में? Of course not, कर। कुमुद को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट वो तो शिदित से बात करने वाली थी। वो शिदित से ये कहने वाली थी कि वो शिदित से नहीं तुमसे प्यार करती है, और तुम हो के उसे ही गलत समझ रहे हो। My God, Fati, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पता नहीं मैं कुमुद के बारे में क्या सोच रहा था। अगर मेरी जगह और कोई होता तो वो भी। कोई और होता तो गर्व शायद वो कुमुद से तुम्हारी तरह प्यार नहीं करता, लेकिन तुम तो करते हो ना। फिर गर्व, तुम शायद समझ नहीं पा रहे हो कि इस वक्त कुमुद पर क्या बीत रही है। एक झूठ कहा था उसने तुमसे दूर जाने के लिए। क्या पता था कि वही झूठ। गर्व, मुझे पता नहीं कि ये सब सुनने के बाद तुम क्या करोगे, लेकिन जितना मैं कुमुद को जानती हूँ, वो एक बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग लड़की है। उसके लिए खुद आगे आके कुछ करना बहुत मुश्किल है। एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ परिवार, जो उस पर पूरा भरोसा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुमुद अपने परिवार के शान के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। और उधर क्षितिज, उसका बेस्ट फ्रेंड, जो उसका हाथ थामना चाहता है। गर्व, कैन यू इमेजिन उसके ऊपर क्या बीत रही होगी? मैं चाह रही हूँ गर्व, अब आगे तुम्हें क्या करना है तुम सोच लो। अच्छा है कुसुम, मुझे तो सब कार्ड पसंद आ रहे हैं। समझ में नहीं आता कि कौन सा पसंद करूं और कौन सा। अरे कुमुद, तुम खुद सिलेक्ट करो ना, तुम्हें कौन सा कार्ड पसंद है देखो। हाँ, वही बेहतर रहेगा, क्योंकि कार्ड तो एक ही सिलेक्ट करना है हमें। वो लोग रोकी के लिए आते ही होंगे। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, बस हम आप ही का इंतजार करते हैं। साक्षी, कुमुद इधर आओ, देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। ठहरो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। घर में इतना कुछ हुआ और मुझे किसी ने बोला भी नहीं। भाई, मैं फोन ही करने वाला था लेकिन। चुप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आई आई प्लीज, इतना नाराज मत होइए। आई सब कुछ एकदम अचानक हो गया, आज ही तो रोका डिसाइड किया हम लोगों ने। रोका तक तो ठीक है कि आप लोगों ने मनमानी कर ली, लेकिन अब जैसा मैं कहूंगी वैसा ही होगा। शादी महाराष्ट्रीयन तरीके से होगी। ऐसे कैसे? शादी हमारे घर में है, हम चाहेंगे ऐसे होगी? बेटी हमारी है। आपकी कब से हुई? बेटी कपूर खानदान की है। शादी मराठी तरीके से होगी बस। नहीं, शादी पंजाबी तरीके से होगी। मराठी पंजाबी? अच्छा हुआ आपने मुझे यहाँ बुला लिया, नहीं तो ये सब लोग मुझे भूल गए थे। आई, मैं आपको कभी भूल सकती हूँ क्या? चलो अब रोका भी तो है ना। वैसे मुझे आई की बात पसंद आई। कौन सी बात? यही कि हमें अपने बेटे की शादी महाराष्ट्र स्टाइल से करनी चाहिए। बिल्कुल, हम लोग सब लोग इस बात से सहमत है। बस तो तय हो गया। कली, कली, पापा,
क्या होता बेटे? पापा, मॉम की बात याद आ रही। पता नहीं क्यों आज मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही। ऐसा कर रही बेटे, मैं हूं ना तेरे साथ। नहीं पापा, आप भी मेरे साथ नहीं हैं, कोई मेरे साथ नहीं। सब उस कुमुद के बारे में सोचते, उसकी खुशियों के बारे में सोचते। मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, उसकी किसी को कोई फिक्र नहीं। नहीं कली, ऐसी बात नहीं है। मैं लिख को बताता हूँ, एक बराबर जितना प्यार को मुझसे करता हूँ उतना ही प्यार तुझसे करता हूँ। बेटे मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें डांटा, तुमसे नाराज हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता। और अकल जिस तरह कुमुद की जिंदगी सेटल हो गई है, मैं चाहता तेरी भी जिंदगी सेटल हो जाए। नहीं पापा, मैं अपने बीते हुए कल को कैसे भूल सकती हूँ? मैं कल को नहीं भुला पा रही हूँ पापा। जानता हूँ बेटे, कल से मैं बात करूंगा। हेलो कुमुद। हाँ गर्व, बोलो। कुमुद मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे पापा से मिलने आ रहा हूँ। कुमुद मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। I can't live without you. कुमुद मैं आ रहा हूँ। गर्व मेरी पापा। कुमुद आज मैं तुम्हारे पापा से बात करके रहूंगा। मैं जानता हूं कि इतना आसान नहीं है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अरे कर, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। आओ बैठो। कर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक्चुअली पापा, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी।